साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ कोल माइंस रेगुलेशन 64 जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान एंड सेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान एंड सेक्शन, आप जानते हैं कि प्लान, माइन प्लान माइन ऑपरेटर के लिए, ओनर एजेंट मैनेजर ओवरमैन माइनिंग सरदार, ये माइनिंग पर्सनल के लिए आंख है। प्लान के थ्रू उसकी सारी समीक्षाएं की जाती हैं। प्लान के थ्रू एक सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत प्लान बनाए जाते हैं और उस प्लान का अध्ययन करके उस माइन के हेजार्ड को निकाल सकते हैं, उसका सेफ अनसेफ पोजीशन और वर्किंग और फेसेस को निकाल सकते हैं। उस संबंधी बहुत सारी चीजें को हम लोग जियोलॉजी और मेथड ऑफ वर्किंग और मैनर ये सब देख लेते हैं। बिना परिश्रम किए हुए, बिना खदान जाए हुए यदि सुंदर प्लान कैसा होना चाहिए? प्लान ऐसा होना चाहिए कि एक झटके से देख करके जो पर्पस है प्लान का, जो उद्देश्य है, वो समझ में आ जाए। तो माइंड प्लान किसी तरह का, माइंड से रिलेटेड कोई भी पर्पस का प्लान बने, उसके कुछ जनरल रिक्वायरमेंट होते हैं। जनरल जो जरूरी है, स्टेचुटरी संवैधानिक प्रावधान जो है, वो रेगुलेशन कोल माइंस रेगुलेशन 64 जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइंड प्लान एंड सेक्शन में उद्धृत किया गया। मैं ये की पॉइंट को शेयर कर रहा हूं। पहला सब रेगुलेशन है, एक नंबर, ऑनर एजेंट मैनेजर शैल बी प्रिपेयर्ड सबमिटेड एज पर रेगुलेशन। क्या सबमिट करेंगे? प्लान को ऑनर एजेंट मैनेजर बनाएंगे, सबमिटेड करेंगे, जमा करेंगे रेगुलेशन के अनुसार, और उस प्लान में होगा नाम, नेम, ऑनर और पर्पस। किसका? माइंड का। माइंड का नाम, नेम ऑफ माइंड, नेम ऑफ ऑनर और नेम ऑफ पर्पस। वो प्लान किस लिए बनाया है, उसका पर्पस क्या है, उसके उद्देश्य से उसका नाम। तो ये पहला सब रेगुलेशन जो माइंड में हर प्लान में एक हेडिंग के रूप में रहेगा और ये चीजें लिखा हुआ रहेगा, ताकि देखने से ही पता चलेगा कि प्लान किस माइंड का है, कौन उसका ओनर है, ECL का है, BCCL का है, WCL का है, किस जगह का है, और उसका पर्पस क्या है, किस टाइप का प्लान है, वाटर डेंजर प्लान है, रेस्क्यू प्लान है, अंडरग्राउंड प्लान है, सरफेस प्लान है। इस तरह से वो विभिन्न जो पर्पस है, वो पर्पस संबंधी नाम हर प्लान में लिखा है। ये तो पहला सब रेगुलेशन हुआ। दूसरा सब रेगुलेशन हुआ, उस प्लान में, कोई भी प्लान में क्या क्या दिखाएंगे, सभी प्लान में ये जरूरी है। दूसरा भी जो पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो उनको दिखाना प्लान में जरूरी है। दूसरा पॉइंट में है कि एक साइड में ये रहता है ट्रू नॉर्थ। देखिए, ये ट्रू नॉर्थ दिखाया हुआ एरो से, और मैग्नेटिक नॉर्थ MN, PN ट्रू नॉर्थ, MN मैग्नेटिक नॉर्थ, और MM मैग्नेटिक मेरिडियन, ये एंगल हुआ ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच के जो एंगल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। और जिस डेट में ये किया गया है, प्लान बनाया गया है, और जिस डेट में ये दोनों कंपास से लिया गया है, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, वो यहां पर डेट भी मेंशन रहेगा। तो ये प्लान में जरूरी है। अब देखिए, ट्रू नॉर्थ क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ क्या है। देखिए, हमारा जो अर्थ है वो विभिन्न मटेरियल से बना है, मैग्नेटिक पहाड़ है, कुछ है, तो उसका मैग्नेटिक मटेरियल भी है। तो अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है, क्लियर? तो अर्थ अपने आप में मैग्नेट है, तो उसका नेचुरल ट्रू नॉर्थ हम जो मानते आ रहे हैं, ट्रू नॉर्थ और ये साउथ हुआ, तो
तो ट्रू नॉर्थ और साउथ अर्थ का हुआ वो मालूम है। इसके बाद कंपास लगाने से मैग्नेट को जब हम सस्पेंडेड करते हैं तो वो उसके अपोजिट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के चलते अपोजिट पोल से वो थोड़ा डेविएट होकर के मैग्नेटिक नॉर्थ बताएगा और मैग्नेटिक साउथ थोड़ा डेविएट करता है। ये डेविएशन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है और ये डेट पर डिपेंड करता है, वेदर पर डिपेंड करता है, अंतरिक्ष और पूरे प्लेनेट से ये बैलेंस होता है तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए इसमें डेट होना जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट, हर प्लान में एक स्केल बनाएंगे, हर प्लान में नीचे में एक स्केल होता है, स्केल नॉट लेस देन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होगा, 25 सेंटीमीटर से बड़ा रख सकते हैं, और वो सब डिवीजन किया हुआ रहेगा, उसका डिवीजन किया हुआ रहेगा, ये जिस प्लान जिस पेपर पर प्लान बनेगा, जिस क्लॉथ पर प्लान बनेगा, जिस पॉलिस्टर पर प्लान बनेगा, उसी पर हमारा स्केल भी रहेगा। इसका फंडा ये है कि एक समय के बाद जब प्लान श्रिंक करता है तो स्केल भी श्रिंक करेगा, तो डिवाइडर से जो स्केल में हम डिस्टेंस नापते हैं और प्लान में जो नापते हैं वो सही हो, क्योंकि दूसरा हम स्केल जो लगते हैं, अदर स्केल यदि हम रखेंगे वो तो श्रिंक नहीं करेगा, वो तो सही है और प्लान पूरे श्रिंक कर जाएगा तो सही मेजरमेंट नहीं होगा। इसीलिए हर प्लान में एक स्केल की प्रोविजन प्रावधान कानूनी किया गया है, डीजीएमएस द्वारा किया गया है, ये रेगुलेशन 64 के तहत किया गया है। तो ये हुआ इसका पर्पस, ये बहुत ही ऑथेंटिक मेजरमेंट होगा कि प्लान का जो पेपर है, मटेरियल है जिस पर प्लान बनाया गया है, जिस पर सारे डिस्टेंस डायमेंशन दिए गए हैं, वो डायमेंशन यदि प्लान के मटेरियल एक टाइम के बाद वो श्रिंक करता है चाहे एक्सटेंड करता है, तो एक्सटेंड करे या श्रिंक करे तो उसकी डिस्टेंस छोटा बड़ा हो रहा है, तो स्केल भी छोटा बड़ा उसी रेशियो से होगा तो मेजरमेंट दोनों का सही हो जाएगा, ये स्केल रहेगा तो। अदरवाइज फिर प्लान कुछ शो कर रहा है किस हिसाब से श्रिंक किया है, इसका डिफरेंस नहीं हो सकता है। तो ये रेफरेंस स्केल है जो प्लान के साथ बनाया जाना अनिवार्य है। अब आइए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर स्टेचुटरी प्लान के लिए है 2000:1, ये जमीन पर यदि कोई डिस्टेंस है वो 200 है तो प्लान में वो एक आएगा, एक यूनिट में, यदि 200 सेंटीमीटर रखिए तो उसको एक सेंटीमीटर से यहां शो करेंगे, यदि 2000 सेंटीमीटर रखिए तो एक सेंटीमीटर शो करेंगे, 2000 किलोमीटर रखेंगे तो एक मीटर में शो करेंगे। तो ये आरएफ है, आरएफ दो ठो रख सकते हैं 2000:1 और 1000:1, और डिफरेंट भी बोला जा सकता है, डिफरेंट प्लान में आरएफ दूसरा भी रख सकते हैं। अब ये एज पर सीएमआई और प्लान को ऐसे बनाएंगे जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस यदि चाहेगा तो उस हिसाब से उसको और बनाना पड़ेगा और दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्लान इंक्ड होगा, पेंसिल से खाली नहीं बनेगा, इंक्ड रहेगा, परमानेंट इंक्ड जो रहेगा तो परमानेंट डैमेज नहीं होगा, तो इंक्ड किया हुआ रहेगा। ड्यूरेबल पेपर क्लॉथ और पॉलिस्टर से बनाएंगे। अब देखिए प्लान हम माइंड प्लान बनाए, नक्शा बनाए, और यदि उसकी मटेरियल फट जाए जल्दी, डैम्प हो जाए, ड्यूरेबल नहीं रहे, टिकाऊ नहीं रहे, तो दिक्कत है। ये प्लान तो बहुत दिन तक स्टोर रहेगा और नीचे का तस्वीर, खदान का तस्वीर, ओसीपी का तस्वीर बताएगा, उसके बारे में आइडिया इंफॉर्मेशन बहुत सारे रहेंगे, तो प्लान एक टिकाऊ होना चाहिए, नॉन ड्यूरेबल हो, फटे नहीं, ड्यूरेबिलिटी रहे, वेदरेबिलिटी उसका रहे, तो ये इसीलिए मजबूत होना चाहिए, क्लॉथ और पॉलिस्टर का होना चाहिए, और इसको माइक्रोन या 125 माइक्रोन का पॉलिस्टर सफिशियंट होता है, ड्यूरेबल होता है, तो वो उस तरह से सर्कुलर में दिया गया है
कि ड्यूरेबल पेपर किसको कहा जाए, ये सर्कुलर में डिफाइन किया गया है। तो 200 माइक्रोन, 125 माइक्रोन का सही होता है। गुड कंडीशन, कंडीशन उसका गुड होना चाहिए, अवस्था ठीक अवस्था में रखिए और कंडीशन साफ सुथरा रखिए, गंदा नहीं हो, किंक नहीं हो, मोड़ चपोड़ के नहीं रखा जाए, तो प्लान एक सही रहे, सही फ्लैट रखा जाए या फोल्ड भी रहे तो बढ़िया से फोल्ड हो। प्लान दिखाते समय, उसको यूज करते समय बहुत सावधानी से हम लोग उसको करें। अब ये नेक्स्ट जो गुड कंडीशन के बाद जो है वो हो एब्स्ट्रैक्ट। हर प्लान में एब्स्ट्रैक्ट एक भाव रहेगा, एक उद्देश्य जो है या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट में लिख दिया जाएगा। जैसे स्टैचू, कोई कानून लिखा गया कि ये प्लान में यहाँ पर ये चीजें हैं, इसका बाउंड्री इतना से कम है या पानी यहाँ पर है या रिस्ट्रिक्शन जो है कानून रिस्ट्रिक्शन स्टैचूटरली रिस्ट्रिक्शन को मेंशन कर दिया जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो ये हुआ दूसरा सब रेगुलेशन। अब आइए जनरल रिक्वायरमेंट में, फर्स्ट ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा में क्या है? एक प्लान में कन्वेंशन रहेगा एज पर रूल, नियम के अनुसार एक डिफाइंड कन्वेंशन है। अब जैसे टेलीफोन रहेगा तो टेलीफोन का सिंबल रहेगा, सिंबल तो डिफाइंड है। आप जैसे एक सिंबल है हॉस्पिटल का, सिंबल रेड क्रॉस है तो समझिए यहाँ डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। उसी तरह से विभिन्न रोड का, प्लांट का, इस तरह से विभिन्न राजनीतिक मैप जो पॉलिटिकल मैप होते हैं कितने सुंदर होते हैं। मैप को देख करके कहीं भी जाइए कोई भूलने का तरीका नहीं है। अभी तो गूगल मैप है, सब चीज़ दिखाता है, कहाँ होटल, कहाँ पेट्रोल पम्प, सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो हमारी माइंड प्लान भी उसी तरह से एक संकेत प्रणाली रहे जो कम जगह छिके और वो डायरेक्ट आइकॉन के रूप में आए और क्लियर। इसके बाद एज पर रूल कन्वेंशन संकेत ये शेड्यूल में दिया गया है, उसके आधार पर होते हैं विभिन्न, साफ कैसे दिखाएंगे, इंक्लाइन कैसे दिखाएंगे, डाइव कैसे दिखाएंगे, बोरहोल कैसे दिखाएंगे, विभिन्न माइनिंग का जो पार्टिकुलर है उस पार्टिकुलर को कैसे दिखाएंगे, स्पोर्ट लेवल कैसे दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें का एक संकेत है, संकेत से हम इसको दिखाते हैं। अब आइए एक्यूरेट प्लान में, एक्यूरेट होना चाहिए, सही सही होना चाहिए। अब कोई भी सर्वे करिएगा आप, जैसे मान लीजिए सरफेस के लिए सर्वे करिए, अंडरग्राउंड के लिए सर्वे किए, ट्रैवर्सिंग किए, लेबलिंग किए, इसके बाद ट्रैवर्सिंग लेबलिंग और फील्ड में जो भी हम मेजरमेंट बुक रखते हैं उसका कुछ ना कुछ एरर होता है, तो लिमिट ऑफ एरर जो रहता है तो एक्यूरेसी होना चाहिए। लेकिन एक्यूरेसी तो नहीं हो पाता है तो कुछ लिमिट एरर भी है, तो लिमिट ऑफ एरर जो है ये चीफ इंस्पेक्टर टाइम टू टाइम बताएगा। एरर दो तीन चीज में होंगे, डिस्टेंस में कितना एरर परमिशिबल है, एंगल में कितना परमिशिबल है, ये एरर को डिफाइन कर रहे हैं कितना क्या है। अब आइए करेक्टनेस जो है प्लान का, ये प्लान सही सही है, इसकी पूरी समीक्षा करके बनाई गई है, ये सर्टिफाई बाय द मैनेजर और सर्वेयर, मैनेजर और सर्वेयर के द्वारा ये सर्टिफाई होगा। एक लिखा रहेगा कि दिस इज सर्टिफाइड दैट दिस प्लान इज करेक्ट और नीचे साइन रहेगा सर्वेयर का और मैनेजर का। तो इस स्थिति में ये मैनेजर और सर्वेयर इसको सर्टिफिकेशन एक हो रहेगा, हर प्लान में ये सर्टिफिकेशन रहेगा। अब आइए अप टू डेट इन 3 मंथ, 3 महीना में अप टू डेट करेगा, हर प्लान को 3 महीना में स्टेचुटरी अप टू डेट करना है। तो ये अप टू डेट करने का, जैसे ओसीपी में पहले 12 महीना पर होता था, 3 महीना पर अंडरग्राउंड को अप टू डेट करना है। तो ये प्रत्येक 3 महीना में जो अंडरग्राउंड में जहां तक वर्किंग चला है, जिस टाइप का वर्किंग चला है उसका प्रोजेक्शन आपको करना पड़ेगा प्लान में या सेक्शन में जहां पर कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं अप टू डेट इन 3 मंथ्स, अप टू डेट व्हेन क्लोज, और यदि माइंड बंद हो गया तो उस समय अप टू डेट करना है।
अब मान लीजिए 3 महीना इंटरवल पर आप टू डेट किए, अभी आप अप टू डेट कर दिए और 2 महीना चलने के बाद माइन बंद हो रहा है, तो रेगुलेशन स्पेल कर रहा है, स्पेशल बोल रहा है कि 2 महीना के बाद आप माइन बंद करने जा रहे हैं, तो एक बार जितना 2 महीना में चलाए हैं उसको फिर अप टू डेट करके प्लान में प्लॉट कर लीजिए। अदरवाइज एक कालांतर में जाने के बाद वो प्लान आपको फाल्स मैसेज देगा कि वर्किंग यहीं तक चला हुआ है, वर्किंग चला हुआ है ज्यादा, ये ऐसा होता है। तो प्लान को अप टू डेट में यदि लैग होगा तो पुराना प्लान आते हैं, हम लोग पुराने पुराने शील्ड ऑफ वर्किंग को खोलते हैं और पुराना प्लान से हम लोग समझते हैं यहां तक चला है, लेकिन जब सही में प्लान खोलते हैं तो पता चलता है कि ये स्क्वायर ऑफ गैलरी और आगे तक है, ये गैलरी और आगे तक चला हुआ है, चाहे ये गैलरी नहीं चला हुआ है। तो इस तरह से भूल भ्रांति जो है इसके लिए अप टू डेट करना प्लान को बहुत जरूरी है। इसके बाद फैक्ट रिकॉर्डेड, कोई ऐसा फैक्ट है तो उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे किसी पोर्शन में कर रहे हैं एक्सेसिव सीपेज ऑफ वाटर वहां आ गया तो वहां रिकॉर्ड करेंगे कि इस पोर्शन में एक्सेसिव सीपेज ऑफ वाटर आ रहा, फैक्ट। या कहीं गैसेस बहुत निकल रही है, गैस बहुत है आपको गर्म गैस, तो फायर डैम यदि ज्यादा है आप हो रहा है उस एरिया में उस डिस्ट्रिक्ट में तो वहां पर आप कहिए गैसेस ज्यादा हो रहा है, या कोई रिस्ट्रिक्शन है आपको स्पेशल तो वो चीज को रिकॉर्ड करेंगे, फैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। कहीं कोई गलती से चल गया और कोई पिलर हमको स्टैंड ड्राइव चलाना था और उस पिलर में हम घुस करके चीर दिए, पिलर को चिराई हो गया, या कोई गैलरी ज्यादा चौड़ा हो गया तो वहां पर फैक्ट्स को हम रिकॉर्डेड कर देना चाहिए ताकि हम यहां पर गलती हुआ और ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स को देख सके कि ये फैक्ट्स है सही। तो ये चीजें होनी चाहिए। कहीं पर दो माइंड के बीच में बैरियर है, बैरियर मान लीजिए एक पिलर होना चाहिए, लेकिन कहीं कोई बैरियर को रोक कर दिया है, बैरियर और ब्रीच हो गया है, कम हो गया है, तो वहां पर लिखना पड़ेगा कि यहां पर बैरियर ब्रीच हो गया, यहां कम है, ये प्लान में सही सही लिख दिया जाए तो भविष्य में एक साइड का माइंड बंद हो जाए दूसरे साइड का चालू भी रहे तो वो देख सके कि पूरा पिलर यहां नहीं है, यहां ब्रीच किया हुआ है, हम सावधानी रखना। या प्लान वो सबमिट हो तो डीजीएमएस या स्टेचुटरी या हेड आईएसओ या सुप्रीम माइनिंग ऑपरेटर लोग जो हैं वो लोग डिसाइड कर सके कि नहीं इसमें प्रोटेक्टिव वर्क करना पड़ेगा, ये बैरियर हम छोटा कर दिए। तो इसीलिए हमको फैक्ट्स रिकॉर्ड करना है। अब आइए, आप प्लान बनाने के लिए सर्वेयर क्या करता है, सरफेस का ट्रैवर्सिंग करेगा, सर्वे करेगा, उस सरफेस का जो जो चीजें हैं उसको रिफरेंस उसी को कोरिलेट करेगा अंडरग्राउंड से, अंडरग्राउंड सर्वे करेगा, अंडरग्राउंड को भी ट्रैवर्सिंग करता है, लेवलिंग करता है और एंगल मेजरमेंट वगैरह सब करता है। तो इसके लिए रिफरेंस स्टेशन एट सरफेस, सरफेस में एक रिफरेंस रहेगा, एक परमानेंट ऐसा रिफरेंस कि जिस रिफरेंस से कोई सर्वे किया हुआ तो उसको हम सरफेस में परमानेंट बनाया हुआ है, ब्रिक से एक पिलर बना करके कंक्रीट से स्टेबल कर देते हैं, उसको कोई नष्ट नहीं करता, उसमें एक स्टेशन बना देते हैं कि ये रिफरेंस है और उस रिफरेंस पर आरएल यदि लिखना हुआ है तो आरएल भी हम लिख देते हैं कि इसकी रिड्यूस लेवल इतना है, समुद्र के रिफरेंस में ये कितना ऊपर है कितना नीचे है और उसी से सारे वर्किंग को हम कोरिलेट करते हैं। अब सरफेस पर उससे कहीं कोई लो लैंड है जहां पर पानी है तो उससे कितना हमारा नीचे वर्किंग चल रहा है ये सब रिफरेंस बताएगा। तो रिफरेंस स्टेशन एट सरफेस रखते हैं, ये अंडरग्राउंड सर्वे भी हम जो करेंगे वो दिखाएंगे कि कहां अंडरग्राउंड सर्वे जो करते हैं दिखाते हैं। करेक्ट पोजीशन, जो सही सही पोजीशन हम बताएंगे जहां जहां नीचे चला हुआ है करेक्ट पोजीशन वर्किंग का, और इसको नेशनल ग्रिड से इंडिया में इंडियन नेशनल ग्रिड, नेशनल ग्रिड इंडिया का अपना है, नेशनल ग्रिड से इसको जोड़ देंगे तो ये परिदृश्य में हॉरिजेंटल ये भी हो जाएगा कि कहां से कितना ऊंचा है नीचा है, ये कुमारडुबी स्टेशन से लक्ष्मी माता कोलियरी माइन कुमारडुबी के जो प्लेटफार्म का जो आरएल है उससे कितना नीचे है कितना ऊपर है, से ओरिएंटेशन पता चलेगा,
किधर में है, किस दिशा में है। तो ये नेशनल ग्रिड का पॉइंट भी अभी माइंस में हुए। एक समय था कि लोग रिग्रूस लेवल से सारा सर्वे करता था और एक स्टेशन अपना बनाए हुए था, लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड हुआ, एडवांस हुआ और मोर साइंटिफिक मेथड हुआ, मोर साइंटिफिक वे में करना पड़ा, एक स्टैंडर्डाइजेशन हुआ पूरे सर्वे को और हर माइन में नेशनल ग्रिड का स्टेशन हो गया। अभी तो जीपीएस का स्टेशन है, जीपीएस के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू सर्वे होता है और जीपीएस स्टेशन भी हर माइंस में है। तो ये चीजें हैं जो हम चौथा सब रेगुलेशन में एक्सपेक्ट किए। अब आइए पांचवा सब रेगुलेशन जो है, प्लान तो हम बनाए, अब जानते हैं कि ये माइनिंग मैन का आंख है, इससे देख करके हम उसका वर्किंग, उसका सेफ्टी, उसका सेफ वर्क या अनसेफ वर्क, उसके दूसरे रिफरेंस में उसकी दूसरे माइंस का, पड़ोसी माइंस, नेबर माइंस का उससे खतरा, ये सब हम ऑडिट करते हैं और वो सब देखते हैं। कभी कभी अच्छे अच्छे माइनिंग मैन जो एक्सपीरियंस माइनिंग मैन है जो रिटायर कर गए, डायरेक्टर, डीजीएमएस डायरेक्टर या डायरेक्टर टेक्निकल, इस पद पर गए माइन का समझिए कि भीष्म पितामह है, वो लोग एक साथ बैठकर दो तीन आदमी बैठ करके सारे प्लान को स्टडी करते हैं और उसमें डेंजर निकालते हैं, क्या डेंजर है, और उन्होंने फोरकास्ट करते हैं उसके लिए कि ये पानी के रिफरेंस में क्या है, इस टाटा का रिफरेंस में क्या है, गैस के रिफरेंस में क्या है, फायर के रिफरेंस में क्या है, ये सब स्केल करते हैं सिर्फ प्लान देख करके। तो आप भाई साहब, प्लान तो आंख हो गया ना इनका, तो इस प्लान को कैसे रखिएगा, प्लान के कैसे रखें, कहां रखेंगे, ऑफिस में रहेगा, अवेलेबल रहेगा। ऐसी घटना हो कि माइंड में कोई घटना हो गया और प्लान से तो आंख है वो देख सकते हैं लेकिन वो रखा हुआ नहीं है माइंड में। अब कोई बाहर से आदमी आ रहा है तो हमें नहीं है, ऑफिस में ऑलवेज रखना पड़ेगा, ये स्टैट्यूटरी है, रिमूव आफ्टर द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, इसके परमिशन से ही हम प्लान को हटा सकते हैं। अदरवाइज जहां माइन चल रहा है तो माइन में प्लान रहेगा और प्लान ऑफिस में ऑलवेज अवेलेबल होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि मैनेजर के टेबल पर या मैनेजर ऑफिस में या पीट ऑफिस में दीवार पर कहीं ना कहीं माइन के प्लान है, उसको नियंत्रण, इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ डिजास्टर, इन केस ऑफ अदर एसेस करने में वो प्लान जरूरी है। तो प्लान को सही ढंग से रखना भी होगा और माइंड में रखना होगा, ये बट किंतु नहीं चलेगा कि यहां नहीं है, वहां ताला में बंद है तो यहां बक्सा में बंद है तो उस ऑफिस से लाते हैं, ऐसा नहीं। जहां माइंड चल रहा है उस ऑफिस में एकदम आपको प्रेजेंट रहेगा, कोई भी आदमी आए तो उसको देख सके, इमरजेंसी में उसको खोजने में देर नहीं हो। तो ये हुआ प्लान रखने के संबंधी सर्कुलर। छठा जो बोलता है विशेषाधिकार है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस अदर जो चीज प्लान में चाहे वो कर सकते हैं और करते ही है। प्लान का टाइप्स ऑफ प्लान बहुत है और सभी प्लान में आरी बारी से कुछ न कुछ चीजें उसमें इम्पोज करते हैं। कोई प्लान वाटर के अगेंस्ट में है, कोई प्लान सब्सिडेंस के अगेंस्ट में है, सब्सिडेंस जानने के पर्पज से बनाया गया है, कोई प्लान सरफेस और स्टाटा के डिस्टर्ब से बनाया है, कहीं पर कोई प्लान बनाया गया माइन के स्किन थिकनेस कम हो रहा है या बेसी हो रहा है उसको, उसके रिफरेंस में। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लान बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ये सारी क्राइटेरिया चेंज हो सकती है, लेकिन एक नॉर्मल जनरल रिक्वायरमेंट जो है वो ये रेगुलेशन CMR 164 के 164 जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ माइन प्लान एंड सेक्शन के बारे में ये चीजें बताएं। और इसका विस्तृत कुछ न कुछ चर्चा सर्कुलर में है जिसको आप जान सकते हैं। प्रत्येक माइनिंग मैन को ये जानना जरूरी है प्लान और सेक्शन और उसका जनरल रिक्वायरमेंट। कभी कभी प्लान को हम लोग चेक करते हैं तो देखिए ये किया हुआ है तो डेट यहां मेंशन नहीं है, हर में डेट मेंशन होना चाहिए, तो डेट लिखा हुआ है तो डेट यहां मेंशन नहीं है तो डायरेक्ट बोलेगा कैसे प्लान बनाया, वो डेट नहीं मेंशन है, साइन करते हो, समझते नहीं हो। तो ये चीजें गलतियां पकड़ेगी
और डीजीएमएस पकड़ेगा वो तो स्टेचुटरी माने भिस्मितामा है, वो तो गार्जियन है स्टेचुटरी कानूनी, तो वो इस चीज को पकड़ेगा। इसीलिए एक रेगुलेशन में ये सब प्रोवाइड किया गया है और इसके रिफरेंस में सर्वेयर और मैनेजर की जिम्मेवारी है कि प्लान को उसी तरह से बनाए और ये चीजें हम मेंशन करें सही सही। मैं समझता हूँ कि ये जनरल रिक्वायरमेंट आपको समझाने में सक्षम हुआ हो और आपको अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगेगा तो माइनिंग विद्या चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।